आप ये मान के 2026 में परिसीमन होना है, उस टाइम ये लागू होगा। आज तो सिर्फ दो दो कुर्सी डालनी है, आपके पास अधिकारी हैं। तो मैं समझता हूँ मालपुरा को बनना चाहिए, क्योंकि मालपुरा टोडा आज जिस हिसाब से एक संयम बरते हुए थे, इकट्ठी रिश्तेदारियाँ थी, आना जाना था, उठना बैठना था, आज हमारी ये हालत हो रही है। टोडा पता नहीं किस में जाएगा, मालपुरा किस में जाएगा, हमारी रिश्तेदारियाँ बिगड़ जाएंगी, आना जाना बिगड़ जाए, हमारा जो आपसदारी है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मालपुरा को भी आप जिला बनाएं, ताकि मालपुरा में जरूरत है इस बात। आप ये मान के चलो यहाँ से 3 विधायक कांग्रेस के हैं और माननीय मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है, आप ये मान के चलें, सांसद तो 25 के 25 ही बीजेपी के हैं और विधायक हमारा 1 है 8 में से, अगर एक विधायक से भी दिक्कत हो रही है तो विधायक ने खुद कह दिया मैं अपना इस्तीफा दे देता हूँ, आप ले लो अगर जिला बनता हो, एक तरफ जिला की घोषणा कर दें, एक तरफ हम दोनों इस्तीफा दे देंगे अगर इस्तीफे से बनता हो तो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं मालपुरा की जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर गौर करनी चाहिए, जिस हिसाब से बच्चे भी बैठे हैं और जो आम जन से एक रिपोर्ट आ रही है, आम जन से जो जनता की आवाज़ निकल रही है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मालपुरा को जिला बनाना चाहिए। देखिए ये जनता का आक्रोश नहीं है, पार्टी का आक्रोश था। पार्टी जो कांग्रेस है वो मेरे नारे तो लगाएगी नहीं, वो तो खिलाफ ही लगाएंगे। अब हम मान के चलो 100% तो हमारा वो है ना, 100% बीजेपी के वोटर है। अब जो वहाँ लड़के हैं, अब वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एक ही चीज़ का पता है, तो वो कांग्रेस ही है, जिनके रग में ही कांग्रेस है, तो वो नारे लगाएंगे, हमें उसे ऐतराज भी नहीं कुछ भी।